बाप। चलिए गाइस यहाँ पे अंदर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डार्लिंग आइलैंड, बहुत ही खूबसूरत ट्री है ये, वाह अमेजिंग। मैं अभी क्रिसमस से निकल के अभी यहाँ पे रेनफोर्थ रोटरी पार्क आया हूँ जो कि है रॉथसे में, और देखिए मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट हाउस, और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चलिए आपको दिखाते हैं। गाइज वेलकम टू संजय का ब्लॉग, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज आज मैं जा रहा हूँ डार्लिंग आइलैंड, और फिर वहां से हम क्रिस्पेंसिस सिलेक्ट जाएंगे, और बाद में रेनफोर्थ रोटरी पार्क जो कि रॉथसे में, वहां पर जाके आएंगे। सो यहां से हम पहले जाएंगे डार्लिंग आइलैंड, और यहां का जो रास्ता है जो कि सेंट जोन्स से डार्लिंग आइलैंड का, जो कि तकरीबन अराउंड 28 या 26 किलोमीटर है, लेकिन जो बीच में जो आपको फॉल्स कलर्स दिखेंगे रास्ते में, और बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत फॉल कलर्स दिखेंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो जर्नी में किस तरह के फॉल कलर्स दिखते हैं फ्रॉम सेंट जोन टू डार्लिंग आइलैंड। और फिर वहां से हम फिर क्रिस्पेंसिस जाएंगे जो कि रिची लेके, वहां पे भी अच्छे फॉल कलर्स आते हैं, एंड देन वाइल कमिंग बैक हम लोग जाएंगे रेनफोर्थ रोटरी पार्क जो कि रॉथसे में। तो चलिए मेरे साथ जो जाके देखते हैं फॉल कलर्स नियर सेंट जोन एरिया हाउ इट इज, एंजॉय द संजय का व्लॉग। गाइज मैं अभी यहाँ पे डार्लिंग आइलैंड आ गया हूँ, यहाँ पे विच इज फ्रॉम सेंट जॉन अराउंड 26-28 किलोमीटर अवे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को मैंने रास्ते में दिखाया, बहुत ही खूबसूरत फॉल आया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो रूट है फ्रॉम सेंट जॉन टू डार्लिंग आइलैंड, वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल देखने मिलता है। तो चलिए अभी मैं डार्लिंग आइलैंड में यहाँ पे उतरा हूँ। यहाँ पे एक वुडन का, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे वुडन का एक ब्रिज है, उसको हम क्रॉस करते हैं, और वहाँ पे एक रिवर है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। चलिए गाइज यहाँ पे अंदर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डार्लिंग आइलैंड, और ये 1914 में ब्रिज बना था, ये वुडन ब्रिज। तो चलिए अभी अंदर की ओर जाते हैं। बहुत ही पुराना ब्रिज है 1914 का, और जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रिवर जा रही है। चलो अभी इसको हम क्रॉस करते हैं और आगे की ओर जाते हैं। इस वाओ, दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वॉक इनटू वुडन ब्रिज।
कि ये रिवर है और ये देखिए आजू बाजू में जो ट्रीज है उसके कलर्स देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और ये जो रिवर के ऊपर का जो ब्रिज है जहाँ से अभी हम यहाँ पे चल के आए, जो वुडन ब्रिज, अमेजिंग। सो वहाँ से हम चल के आए डार्लिंग आइलैंड ब्रिज 1914। और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और भी आके जाते हुए काफ़ी आपको ट्रीज के कलर आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे फॉल के, ब्यूटीफुल। और इस रोड से हम लोग अपनी कार लेके यहाँ पे आए और वहाँ पे हमने पार्क की। वो घर देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से, अमेजिंग, वाव। सो गाइस अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और यहाँ से अब जाते हैं क्रिस्पेंसेस, जहाँ पे रिची लेक है, वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत फॉल के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कैसा है। गाइज अभी मैं डार्लिंग आइलैंड से निकल के यहाँ पे आ गया हूँ। ये है क्रिस्पेंसेस रिची लेक जहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फॉल कलर्स दिख रहा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये ट्री को, बहुत ही खूबसूरत फॉल कलर्स है इसके। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो चलिए आप लोग के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ यहाँ के फॉल कलर्स कैसे और रिची लेक का नज़ारा कैसा है। ये देखिए ये रिची लेक का जो एरिया है, बहुत ही खूबसूरत फॉल आया यहाँ पे और ये बहुत ही खूबसूरत ट्री है, ये वाओ अमेजिंग। और ये पीछे की ओर यहाँ पे रिची लेक है, ब्यूटीफुल। तो रिची लेक के पास जाते हैं। विंटर में ये, अगर आप लोग ने मेरा अगर पुराना व्लॉग विंटर का व्लॉग देखा होगा तो यहाँ पे ये रिची लेक पूरा फ्रीज हो जाता है विंटर में। ये देखें पीछे भी काफी फॉल कलर्स दिख रहे हैं, पीछे की और ज़ूम करता हूँ। वाओ देखिए फॉल्स के लिए सारे यहाँ पे गिरे हुए,
मैं अभी क्रिस्पन से निकल के अभी यहाँ पे रेनफोर्थ रोटरी पार्क आया हूँ जो कि है रॉथसे में। और देखिए मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट हाउस, और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलिए आपको दिखाते रेनफोर्थ रोटरी पार्क। ब्यूटीफुल, अमेजिंग व्यू है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। और पीछे की ओर देखिए यहाँ पे फॉल कलर सब दिख रहे हैं। सो गाइस, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और घर की ओर वापस जा रहा हूँ। तो होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग संजय का ब्लॉग।